हमारे तमिल में ना हम बोलते हैं तले एड़ुत्तु। तले एड़ुत्तु का मतलब तले, ये माथा। एड़ुत्तु का मतलब लिखा हुआ, जो लिखा है। हर आदमी के माथे में जो लिखा है वहीं से शुरू करता है। देखिए ये शुरू हो गया क्या? वहां पर लोग, मैं खुद ही 5 मिनट लेट है, बाकी लोग और लेट हैं। सब बाहर ही, अंदर बुला लो, बुला लीजिएगा। मेरा बीच बीच में वो बॉम्बे हिंदी निकलता है, बुला लो। हमारे यहाँ बुला लीजिएगा। मेरी सिस्टर इन लॉ है, बॉम्बे की थी। मैं फोन करता था तो बोलती थी हाँ बोल, यहाँ तो आदमी बेहोश हो जाएगा है। जी भैया जी बोलिएगा, हाँ बोल, हाँ बोल रहे। तो मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता अपने आप को कि मैं इधर हूँ, कि मेरी मातृभाषा में भी नहीं है। तो कई बार लोग बुरा भी मान जाते हैं, मैं भैया वगैरह आगे पीछे डालता नहीं, मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में। बात करते करते सोम संकेत ऐसा निकल जाता है, वो आदमी ऐसा देखता रहता है कि कैसा बात करता है इनके बारे में। फिर मैं बोलता हाँ भैया 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 वो भैया, फिर वो फिर भैया जी बोलिएगा। हाँ भैया जी, दीदी जी, बेटा जी, कोई बोलने वाला? बोलना ही इतना मुश्किल है तो सोचना कितना मुश्किल होगा, सोचो। सोचने के बाद ज्ञान है। अभी हमने देविका के साथ उपयोग नहीं किया, सब हमारे बोली में है ही नहीं, हमारे तमिल में है ही नहीं। मतलब मैं, हम लोग जिस क्षेत्र के हैं उसमें नहीं है। प्रारंभ करें? इनका पहला एक है, पहला ले लेंगे, फिर आपका ले लेंगे। अभी जो हुआ उस पर बात कर लेंगे, फिर अब मैं बैठ जाऊंगा, मैं काफी देर खड़ा रहा। तो इन्होंने रखा था, पूछ लीजिए, आप कुछ पूछ रहे थे। सबके लिए हो जाए ना, देखिए सब प्रारंभिक क्रम वाले हम पहले कर लें, फिर ये सब स्पष्ट होने के बाद अध्ययन है ना। पहले अध्ययन का उद्देश्य, अध्ययन की आवश्यकता, ऊपर से देखेंगे अध्ययन की आवश्यकता। अध्ययन की आवश्यकता उद्देश्य बनता है, अध्ययन की वस्तु में मौलिक जो अंतर है ना शास्त्र में, उसमें भेद। फिर अभी तक मानव परंपरा में हुई पद्धतियां, उसका एक सेंस, वो आवश्यक नहीं है बट मैंने आपको रखा। उसके बाद फिर आप कैसे चलेंगे, मिक्स एंड मैच करके चलेंगे कि जो बताया गया उसको लेकर चलेंगे। फिर आप रिकमेंडेशन पूछेंगे, हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं। उसके बाद भी हम बोलेंगे कि नहीं, मैं रोज सवेरे 2 घंटा उठ के सांस देखना चाहता हूँ, तो देखो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बोला है वो आवश्यकता नहीं है उसकी, रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है स्क्रिप्चर में। हाँ जी, अंश है ना, अंश है। हमारी टीम में 2 चोपड़ा है, एक संजीव चोपड़ा और एक क्या नाम भाई, कैसा बोल गया, विनायक, विनय चोपड़ा। दो अरे जो भी है, और एक चोपड़ा, 3 है। इफ यू कम यू विल बी द फोर्थ। जी भाई, मेरा बस एक जनरल क्वेश्चन ये था भैया कि जैसे मतलब बिफोर रियली ये मतलब ये जो स्पिरिचुअल साइड पे जो है, तो मतलब एक अथॉरिटी होना चाहिए ना हमारा बिफोर रियली सेइंग कि व्हाट दीज थिंग्स आर फंडामेंटली सेइंग एंड कंपेयरिंग देम विद मध्यस्थ दर्शन का लिटरेचर। तो यही मेरा क्वेश्चन था कि आपका एक अथॉरिटी बन गया है क्या, एटलीस्ट वो जो स्पिरिचुअल साइड पे आपने बात करी कि हम उसको एक कंपेयर कर सकते हैं, मतलब मध्यस्थ दर्शन जो कह रहे हैं उससे। भैया देखिए, अथॉरिटी शब्द बहुत अपने में एक चीज है समझने के लिए। किसी दर्शन पर अथॉरिटी, जैसे साइंस पर अथॉरिटी बोलने के लिए आपको साइंटिस्ट होना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही, वैसे तो देखे तो फिर किसी भी में अथॉरिटी नहीं है मेरा,
है ना, अथॉरिटी के ग्रेड्स को थोड़ा सा अपने आप को बचाने के लिए, राहत देने के लिए हम तीन चार ग्रेड बना सकते हैं। एक है कि मौलिक मुद्दों पर हम आत्मसात किए हैं, जिसको श्रवण बोलते हैं, ठीक। तो उसमें वो यदि देखो तो मुझे लगता है कि मेरा दर्शन में हुआ है, मध्यस्थ दर्शन में, है ना। उसके जो मैंने अंतिम है, छोर तक चले गए हैं क्या नहीं, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों पर अथॉरिटेटिवली बोलने के लिए फिर वो है अथॉरिटी। पर दर्शन को समझने के आधार पर जब मैंने इनका मैंने पढ़ा या एक प्रकार से रिव्यू किया या व्यू किया, तो उसमें जो मौलिक अंतर है ये मुझे समझ में आती है ना। वो आप जांच के देख सकते हैं, ठीक। इनमें मैंने मैंने ध्यान रखा है या प्रयत्न किया है कि इनका मैं मूल्यांकन नहीं कर रहा हूँ ये पूरा है कि अधूरा है, इनमें केवल भेद को बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उपासना की पद्धति श्रेष्ठ है और वेदांत की पद्धति कम है, वो मेरी पर्सनल ओपिनियन हो जाएगी जो इस समय की रिफ्लेक्शन है। जैसे आपको समाधि या अंतिम ज्ञान देखना है पारंपरिक विधि से, तो क्या आप मेरे को पूछेंगे तो क्यों मैं आपको बोल नहीं सकता कि आप इस विधि से चलो कि उस विधि से चलो, ठीक है ना। वो मैं करने नहीं गया हूँ, नहीं किया हूँ। इनमें जो बेसिक अंतर है वो तो टेक्स्ट में दिखता ही है, टेक्स्ट, इनके टेक्स्ट को स्कैन करने से। मैंने मध्यस्थ दर्शन को अच्छे से पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहा हूँ, बाकी लिटरेचर को स्कैन किया है, आप भी स्कैन करके उसको वैलिडेट कर सकते हैं। बट इसमें तो कोई वो नहीं है वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन कोई बता रहा है। वेदांत में श्रवण क्या है उसको मैं व्याख्या करने नहीं जा रहा हूँ, मैंने सोचा है कुछ बट उसको आप लोगों को नहीं रखा। हाँ, इसका श्रवण मनन है, नवधा भक्ति सूत्र उपासना विधि है, योग सूत्र अष्टांग है, ठीक है, ये तीन ब्रांच। जब मैं बर्मिस ट्रेडिशन में विपश्यना है, महायान वज्रयान ट्रेडिशन में जो है मैंने ना लगभग भारत के तंत्र परंपरा से वो हुआ है ना। और सांख्य योग को तो बताया, झारखंड, आप ही झारखंड के, झारखंड में ही एक ही स्कूल है, वहीं जाना पड़ेगा। उसके जो सेकंड गुरु तो चलेगा अभी कोई है नहीं, बताते हैं सो वी डोंट नो हु टू आस्क। बाकी जो हाथ पैर हिला रहे हैं वो तो वो हो गया, हट योग हो गया। तो कुल मिलाकर यह है कि मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन करते समय इसमें जो अध्ययन विधि है इसको हमको पता करना है शोधपूर्वक। वो लिखा गया है, ऐसा नहीं कि लिखा नहीं है, उस पर पर्याप्त लोगों ने बातचीत भी किया है, उन सब से जो निष्कर्ष निकला वो हम अभी बात करेंगे। बट उसकी पूर्व भूमि यह है कि हम शुरुआत में ही ये क्लैरिटी रहे कि हमको मिक्स करना है कि नहीं, क्योंकि एक बार आप घुस जाएंगे तो फिर बाद में कहाँ से मिक्सिंग आएगा पता नहीं चलेगा। आप इनसे मिलेंगे बोलेंगे सवेरे सांस देख लो, है ना, उनसे मिलेंगे वो बोलेंगे गाजर उगाओ, उनसे पूछेंगे वो बोलेगा अभ्यास का मतलब है स्कूल में पढ़ाओ, इनसे पूछेंगे वो बोलेंगे कि परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था का डिजाइन बनाओ, यही जीना है, ठीक है ना। इनको पूछेंगे बोलेंगे कॉमन किचन में खाना ही अध्ययन है, है ना। उनको पूछेंगे वो केवल मैंने दूध नहीं पीना अध्ययन है, मिलेगा व्यू सबके अपने अपने है ना। तो उसकी पहले एक साउंड वो हमारे सामने आए, इसमें होगा क्या या होता क्या है, वो साउंड आने के पहले यदि हमने और चीजों को एंट्रेंस अलाउ किया हमको पता ही नहीं चलता है। कन्फ्यूजन की सबसे जो मार्मिक क्या कठिन बिंदु क्या है, कन्फ्यूज आदमी को अपना कन्फ्यूजन दिखता नहीं, वो उसी को तो ज्ञान मानता है, इसी का नाम कन्फ्यूजन है। एक बार कन्फ्यूजन दिख गया तो उसे उभरने के लिए प्रयत्न करेगा ही, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा जो आपने कहा कि क्या ये अध्ययन करने के पहले इन सभी चीजों को पढ़ना आवश्यक है क्या, या इस निष्कर्ष आपके ऊपर है। यदि कम आयु में यदि आपने अधिक पढ़ लिया है तो आप वो आपका प्रारब्ध जो मैंने कहा तले रहते हैं ना आपके माथे पे लिख लिया आपने, अब आपको उसको सॉर्ट करके ही इसमें उतरना पड़ेगा। तो किसी भी दर्शन शास्त्र में उतरने के पहले, वेदांत में भी ऐसे ही है, सभी में ऐसे ही है, प्रथम स्टेज है शंका मुक्ति, उसके बाद है श्रवण, एक्चुअल श्रवण की परिभाषा है। इस दर्शन में भी मेरे अनुसार ऐसा ही है। प्रथम भाग है शंका मुक्ति, परिचय शिविर एक स्तर का शंका मुक्ति कराता है, उसकी एक उपलब्धि है। आपने टेक्स्ट को पढ़ लिया तो इसमें हम देखेंगे कि शंका मुक्ति के लिए फिर कुछ चीजों को सुझाया गया है कि ये वस्तु सार्वभौम है कि नहीं, सार्वकालिक है कि नहीं, तर्कसंगत है कि नहीं, मतलब समझाने योग्य है कि नहीं, जीने में आता है कि नहीं, संपूर्ण है कि नहीं। सो इट हैज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव, इट हैज टू बी लॉजिकली कंसिस्टेंट, इट हैज टू बी यूनिवर्सल, इट हैज टू बी पेरेनियल, इट हैज टू बी लिवेबल,
जिसको जांचने के लिए पहले पांच आधार है जिसको हम देखेंगे, जो हमारी दर्शन की जो इंग्लिश साइट है उसमें मैं डाल के रखा हूँ, कोई पढ़ता नहीं, वो एक अलग बात है, बट मैं अपने तृप्ति के लिए लिख दिया उसको, कि पहले इसको आपको पार करना पड़ेगा कि मुझे ऐसे जीना है और ये सारे फैक्टर्स को ये सेटिस्फाई करता है, तब जाके हमारे अंदर वो इंटेंसिटी बनती है कि इसको मैं सीधा ग्रहण करूं, है ना। एंड इट इज कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब इट इज सफिशिएंट, सफिशिएंट इन थियरी, सफिशिएंट इन प्रैक्टिस। यदि हम इनसफिशिएंट इन प्रैक्टिस मानेंगे तो क्या करूंगा मैं नागराज जी को लूंगा और बुद्ध विधि से उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। मैं बोल रहा हूं करके देखो, मुझे नहीं पता, मैं नागराज जी को बोला बोले मत करो, वो मैं नहीं किया, ठीक है ना, मैं मान लिया। क्यों माना? क्योंकि ना मेरे को ये पता है ना मेरे को ये वो पता है। यदि मैं इस कंफ्यूजन में हूं कि मेरे को दोनों पता है तो मैं करूंगा, तो करो। तो उसके लिए मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि यदि आप लोग कभी पढ़ाते हो तो वो दो तीन चीजों को स्पष्ट करके पढ़ाओ, ये आपका उपकार होगा। क्या? सर्वप्रथम हमारी स्थिति क्या है, है ना, हम विद्यार्थी हैं, हम पढ़ के बता रहे हैं, समझ के बता रहे हैं, अनुभव करके बता रहे हैं, नंबर एक। दूसरा, जो हम बता रहे हैं कहाँ से लिया उसको बताओ। ये नागराज जी का लाइन है, ये गौतम बुद्ध का लाइन है, ये मोहम्मद मियाँ का लाइन है, ये गुरु नानक का लाइन है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है यार, बट क्लियर करो, सुनने वाले को क्लियर रहे, इतना रखना चाहिए, ठीक है। इस पिंड को यदि हम छोड़ते हैं तो गया, फिर आप सुनने वाले दृष्टि से आपको क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए सीरियस मुद्दा है, जीवन जीग्रहण, जीवन जागृति आपकी डेस्टिनी है ये, बाकी सब देखो छोटा मोटा काम है, पढ़ लिया, घर बना लिया, वो आपकी डेस्टिनी थोड़ी है, आपका गंतव्य थोड़ी है वो, है ना, ये तो आपका गंतव्य है, तो इसमें तो आपको मतलब यू शुड बी केयरफुल, है ना। जनरली मैंने ये भी एक ऑब्जर्व किया, हल्की चीजों का आदमी आसानी से मान लेता है, जैसे गहरी चीज दो 50 क्वेश्चन पूछता है। मैं परीक्षा शिविर में देखता था, भैया तू पीएचडी कर लिया, शादी कर लिया, बच्चे पैदा हो गए, एक भी बार पूछा नहीं क्यों कर रहा हूँ, हैं हम बोलते जीवन है, बोलता तुमको कैसे पता, भाई इतना सारा तू कर लिया उसमें पूछा नहीं, इसमें काहे को पूछता है, तो एक लाइन है, बहुत फंडामेंटल चीज पे आदमी बाई नेचर केयरफुल है, यदि वो ऑलरेडी किसी चीज के प्रभाव में नहीं है तो उसमें मैंने आपको कहा कि आपको मेरे से भी बचना है, क्योंकि मैं भी एक इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं मौलाना हूँ, है ना। मोहम्मद जी को जो कहना था वो लिखा है, वो दर्शन है, वो कुरान, है ना, कुरान को हम ग्रंथ मान लेते हैं, है ना, मोहम्मद को आप तो पुरुष मान लेते हैं, शब्द है ना ये सब, ठीक, मौलाना उसका इंटरप्रेटर है, जो उसका प्रवचक है। तो आपके अंदर मौलाना की कंफ्यूजन ना चले जाए, एंड वर्स्ट, मैं ऐसा मौलाना हूं, मैं चाहता ही नहीं कि मोहम्मद तक जाए, मेरे ही पास रहे, ये भी एक वैरायटी है, बनता ही है, बनेगा ही, इसमें भी बनेगा, अभी तक नहीं बना तो आगे बनने की संभावना है, दर्शन थोड़ी गारंटी कर सकता उसको लेकर लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो जो सर्वे है ये आपको किसी समय ये पांच के आधार पर डिसाइड करना पड़ेगा, एक समय में आपको उसकी शंका मुक्ति हो जाएगी, तब आप उसमें पूरा पढ़ोगे, वो आप ही को पता है, किसी का 6 दिन में होता है, किसी को 6 वर्ष लगता है, जैसे कोई वैज्ञानिक पद्धति को पूरा स्वीकार लिया उनके जीवन में, है ना, कि बिना देखे मैं मानूंगा नहीं, ये यदि गहरे में बैठ गया वो दर्शन में आगे मतलब बढ़ी नहीं पाएगा। दिस इज लाइक सेइंग कि चित्त को देखे बिना उसको मानूंगा नहीं, बिना माने चित्त दिखेगा नहीं, इसको कैच 22 बोलते, पुस्तक भी लिखा है आदमी ने, है ना, अंडा मुर्गी कैसे तय करो, है ना, अंडे से मुर्गी निकला कि मुर्गे से अंडा निकला नहीं पता चलता है। तो इसमें एक समय में मानना पड़ेगा आपको, बट वो बोलने से नहीं होगी आपकी मानना, मैं बोल दूं आपको मानना नहीं होगा, मानने का मतलब क्या, तो मानने के लिए हम बोलते हैं जांचना, वैलिडेशन करो आप, तो वैलिडेशन में ये 5 क्राइटेरिया मेरे को ध्यान में आती है, 4 दर्शन में दिया है, 5वां मैंने जोड़ा है, कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट, जो आपकी अस्तित्व की पूरा आप जितना तक सोचते तो सब है कि नहीं, एक दूसरा यूनिवर्सल सार्वभौम है कि नहीं, है ना, ट्रुथ सत्य यदि है तो एक ही होना पड़ेगा। ये लेजर का नियम पूरे विश्व के लिए एक ही है, और मार्स पे भी यही है, मार्स हो सकता बदल जाए बट यहाँ तो एक ही है, ठीक, पेरेनियल हर समय के लिए हम चाहते हैं, सार्वकालिक,
समझाने योग्य, मतलब लॉजिकली कंसिस्टेंट चाहिए। हम उसी चीज को समझा सकें जो लॉजिकली कंसिस्टेंट है, जो इनकंसिस्टेंट तो समझाने में आता ही नहीं, या जिसकी अस्पष्टता है। शादी क्यों करूं, हम आंसर कर ही नहीं पाते। कोई किसी को कन्विंस ही नहीं कर सकता शादी करने के लिए, उसका मन होता है तभी वो करता है, तो उत्तर ही नहीं हमारे पास, हम जो बोलेंगे उसमें वो क्वेश्चन खड़ा कर देगा। एक लॉ ग्रेजुएट, 3 दिन का मेरा एक सत्र था उधर, वो इधर से पढ़ी थी, हिदायतुल्ला लॉ स्कूल एक इधर है, इधर से पढ़ी थी वो, या नेशनल लॉ स्कूल NLSUI कुछ तो था, NLU बैंगलोर है ना। तो वाई शुड आई मैरी, है ना, आई थिंक वी आर जस्ट फाइन द वे वी आर। वो कोई बॉयफ्रेंड था, दोनों आए थे 1-2 साल से, वो मुझे बोलते सी ही था, बट देखने शादी भी करते हैं या साथ में जीते हैं। तो मैंने बोला भैया संतान है ना, वो संतान तो वैसे भी पैदा होता है, मैं बोला देखभाल करने के लिए परिवार की आवश्यकता, भाई लॉयर है देयर नॉट टू आर्ग्यू है ना। तो मैं बोला कि परिवार एक सुरक्षित माहौल देता है। मैंने कहा देखो लॉजिकली कोई आवश्यक नहीं है कि जो बच्चा जिस घर में पैदा हुआ उसी में बड़ा हो, अपन एक्सचेंज करते रहते हैं बेटा, एवरी ऑड वीक तो उनके घर में पलेगा, एवरी इवन वीक इनके घर में पड़ेगा, और एवरी है ना लीप ईयर उनके घर में जाएगा। मैं एक रूल बना देता हूँ, वो बच्चा तो बेचारा कन्फ्यूज हो जाएगा है ना। सो इट इज मोर मैंने कन्वीनियंट, आर्ग्यूमेंट यहाँ तक पहुंची। फिर वो बोली कि नहीं बट वो सब तो ठीक है, फिर हम 5-6 मित्र हो जाएंगे, 4-5 बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे, हम मिलके उसको बड़ा करते हैं, हम ही उसके पेरेंट्स हो गए ना। फिर मैंने कहा कि क्या आसान है, एक बच्चे को पैदा करके खुद रखो, कितना सारा रूल बना के उसमें करना, अंतिम आर्ग्यूमेंट ये था। उसने कहा यही आसान है, मैं बोला फिर यही कर लो है ना। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा करोगे। फाइनली साल भर बाद वो मुझे मिली, वो शादी कर ली। वो बोली तुम जो मेरे को आर्ग्यूमेंट दिया वो 6 महीने बाद मेरे को स्वीकार हुआ, वो लड़के से मैंने शादी कर लिया। इस तर्क के कारण वो शादी नहीं कर रही थी। तो तर्क जो है यूजफुल है, यू कैन यूज इट, आप उसको सॉरी इंग्लिश, आप उस चीज के लिए उपयोग कर सकते हो कि आप श्योर हो जाओ है ना। इसीलिए ये वाद लिखा है, वाद उन लोगों के लिए है, भौतिकवाद अध्यात्मवाद, जिनको स्वीकार नहीं हो रहा, जिसको स्वीकार होना है उसको वाद की जरूरत ही नहीं है, वो सीधा दर्शन। तो वाद के जगह पर आपको पूरी स्ट्रक्चर बनेगी, आपके जीवन में तृप्ति होना पड़ेगा आपके लिए, वो जो पॉइंट है। बट दर्शन के टर्मिनोलॉजी में दिक्कत क्या है, आप एक बेसिक उसको रिव्यू करके अंदर जा सकते हो, बट फाइनली किसी भी दर्शन को पूरा अपनाए बिना उसकी वैलिडिटी आपको पता ही नहीं चलेगी। एक फिर वैलिडिटी के 4 स्तर हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, मनुष्य के चेतना में। आप केवल पहले वैलिडिटी को ही चेक कर सकते हो, पहले स्तर पे, इसको हम बोलते हैं भास होना है ना। उसके बाद की वैलिडिटी, मतलब उसकी वैलिडिटी का मतलब उसका आधार, उसके बाद के आधार स्तंभ उसके आगे के स्तर पर ही आएंगे। आप गेट पर खड़े होके ये नहीं बोल सकते हाउ डू आई नो व्हाट इज इनसाइड दैट बिल्डिंग, आप गेटी पे खड़े रहोगे। हम देंगे कि नहीं बिल्डिंग के अंदर ये है, एक माइक है, 4 आदमी है। बोला मुझे कैसे पता, नहीं नहीं देखो इन्होंने बात किया, मैं आपको एक आदमी से मिला तो उन्होंने आदमी को देखा गेट के अंदर, इतना ही प्रमाण दे सकता हूं। फाइनली आपको देखने के लिए अंदर आना पड़ेगा, उसके लिए चलना पड़ेगा। दर्शन ऐसा है, ये कुछ कह रहे थे। एक कहे आप कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति के ही सानिध्य में बढ़िया से वांग्मय का पठन होगा तो उसको कैसे पहचाना जाए, बाबा जी तो ससरी हैं। देखिए इसका एक है जीवनगत उत्तर, दूसरा है मानवगत उत्तर। जीवनगत उत्तर तो यह है कि जीवन जीवन को पहचानता है। बहुत लोग नागराज जी को मिले, उनको नकार दिए मेरे सामने। बहुत लोग हैं नागराज जी के साथ आर्ग्यूमेंट किए। मैं ऐसा भी एक आदमी को मिला हूँ जो नागराज जी को ही टोपी पहनाने गए, उन्हीं के दर्शन पे, उन्हीं का दर्शन लेके उन्हीं को टोपी पहना रहे उसी दर्शन से। ऐसा भी एक सैंपल दिखा मैंने, ठीक है ना।
तो उसकी कोई गारंटी नहीं है जीवन जीवन, उसको क्या बोले, पुण्य बोले पाप बोले कुछ बोलना पड़ेगा। दूसरा है मानवगत विधि से पहचानना। मानवगत विधि से पहचानने के लिए देखिए, दर्शन की वैलिडिटी के लिए आपके पास आधार है, टेक्स्ट है ना, शास्त्र है, नागराज जी जो बोले वो भी शास्त्र है, वीडियो भी शास्त्र है, लिखित भी शास्त्र है, जो अप्रकाशित है वो भी शास्त्र है, 20,000 पेज है, 600 घंटा है ऑडियो, है ना। तो एक तो आपको उसके साथ क्रॉस चेक करना पड़ेगा, इधर तो देखो मैं जो बोलता हूँ आप कन्विंस हो ही जाएंगे क्योंकि आपको मेरे से कम पता है, मैं जो बोल रहा हूँ वही अंतिम वाक्य है। यदि मैं बोलूँ अभ्यास दर्शन के 144 पेज में लिखा है उसके आधार पर ही आपको मानना पड़ेगा, आप उधर तक पढ़े ही नहीं हो, तो उस समय तो आपको सुनना पड़ेगा। बट चेक करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके पास शास्त्र ज्ञान ठीक है कि नहीं, इसका श्रवण पूरा होके हुआ है कि नहीं, ठीक। दूसरा उसका तर्क संगतता को आप चेक कर सकते हैं। अंतिम है कि व्यवहार के कुछ भागों को जांचना, बट उसमें भी क्या है कि संपर्क के क्षेत्र में बहुत अधिक जांचा नहीं जा सकता। जैसे मैं इधर बैठा हूं आपको बढ़िया ही लगूंगा, मैं अभी ये ऐसा कपड़ा पहना हूं सिटी का कपड़ा है ना, मेरे पास धोती भी है हमारे पारंपरिक, तो मैं धोती और पीछे छोटी रख लेता आप मेरे को और भी मान लेते, फोन नहीं रखता, दिन में केवल दूध पीता वो प्रबोधक, 7 दिन केवल दूध पिया, आप बोला बढ़िया है ना, वो करता है, पानी पीता हूँ मैं है ना, मैं अनुभव दर्शन पानी पीते हुए आपको पढ़ाता हूँ, आप और भी मानेंगे। तो लाक्षणिकता को आप देख सकते हो, वो आपकी जो लाक्षणिकता देखने की विधि है उसको आप देखेंगे। मैं भी सोचता हूँ किसी समय 7 दिन अनुभव दर्शन है केवल पानी पीकर ही अनुभव दर्शन पढ़ाऊंगा, है ना, क्या लगेगा लोगों को, लुंगी पहन के है ना पानी पी के मैं पढ़ाऊंगा, लुंगी कुछ भी लंगोट कुछ भी, आजकल लंगोट कोई मानेगा नहीं, हमारे गाँव में लोग घूमते थे केवल लंगोट पहन के, आजकल नहीं दिखते, ओनली लंगोट। मद्रास में गर्मी होता है ना, ऊपर शर्ट नहीं होता आदमी का, नीचे लंगोट होता था, तो जब धूप आती हो क्या करता आदमी, नीचे का लुंगी को सर के ऊपर कर लेगा और घूमेगा और नीचे लंगोट रहता है वो धूप में। मैं खुद भी ऐसे किया हूँ, आजकल सब फोर्ड फैक्ट्री आ गया हमारे गाँव के, तो लोग शर्माते हैं, हमारे गाँव में ऐसे बहुत देखते थे, तमिल में खुद भी ऐसे किया, हमारी फ्रेंड लंगोट होता है ना, जस्ट लॉयन क्लॉथ बोलते हैं, कपड़ा होता है बस पुरुष के लिए। तो ये सब है, तो लाक्षणिकता में देखने में आपकी मान्यता काम करेगी, आप किस चीज को श्रेष्ठ मानते हो, ये पानी को श्रेष्ठ मानते हो उनको दिखेगा, आपको व्यवहार श्रेष्ठ लगता है तो आपको व्यवहार को जांचना पड़ेगा। जांचने के लिए आधार आपका नहीं होना पड़ेगा, दर्शन का होना पड़ेगा, उसके लिए आपको दर्शन को पढ़ना पड़ेगा। तब तक क्या किया जाए, सबको श्रेष्ठ मानो, क्या तकलीफ, सुनना सबका है ना, करना दर्शन का अपने मन का नहीं, ये एक फेज आपको कम से कम उसमें 4-5-7 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपके मन में आएगा ठीक है इनका श्रवण ठीक है, इनसे मैं दर्शन सुनूंगा, इनका ये वाला प्रैक्टिस ठीक है, खिचड़ी खाते इससे लेंगा है ना, ये 3 महीने में एक बार फास्टिंग करते इससे मैं फास्टिंग ले लूंगा है ना, ये कपड़ा खुद धोता है, तो आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा किसकी ये श्रेष्ठता है। दर्शन के आधार पर तो शास्त्र ज्ञान को आपको मानना पड़ेगा, अब उसमें कुछ समय के लिए तो आप वो हैं अपंग हैं क्योंकि आपके पास दर्शन नहीं है, मेरे पास है तो आपको मुझे मानना ही पड़ेगा, तभी तो बैठे हो, नहीं तो आप इधर बैठे रहते मैं उधर बैठा रहता। दर्शन पर मेरे पास अधिक जानकारी है तभी तो मेरे पास माइक है ना और आपके पास नहीं है, या आपके पास है भी तो छीन लेते बीच बीच में आप पूरे दिन बोलेंगे छीन लेंगे कि चुप तुमको सुनने नहीं आया भाई तुम चुप रहो, छीन लेंगे ना, ये तो रहा ही, सुनने तक के प्रभावशील रहेगा, उसके बाद आपको चयन करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए आधार शास्त्र है, स्वधर्म नारी स्व पुरुष दयापूर्ण कार्यवहार पूर्वक जीता है कि नहीं, उसके लिए आपको साथ में जीना पड़ेगा। यहाँ तो 6 दिन मैं आपके साथ रहूंगा, देखिए मैं इधर रह रहा हूँ आपके साथ अध्ययन विधि पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी बेस्ट बिहेवियर ही दिखेगी ना आपको, थोड़ी मैं अपना सबसे खराब बिहेवियर आपके सामने, वो तो स्वाभाविक है, आप भी वैसे बैठे हो, हम एक दूसरे के कमियों को यदि प्रदर्शित करेंगे तो इस सब्जेक्ट को हम पढ़ ही नहीं सकते। बट आप मेरे साथ पुनः आओगे तो पहले महीने में आपको मेरी एक त्रुटि दिखेगी, तीसरे महीने में और कुछ दिखेगी, 1 साल के बाद आपको लगेगा इसके साथ तो रह नहीं सकते, बाप रे ये तो जान ले लेता है ना, हर चीज पूछता है ना, कंट्रोल करता है, प्लानिंग करता है, फिर पूछता है तुमने किया है कि नहीं, उठपटांग बात करता है,
फिर मैं ही उसको चाय बनाता हूँ, वो मेरे लिए चाय नहीं बनाता, 50 चीज आएगा, मैं आपको खट कंडम कर देंगे आप मुझे, खत्म, ठीक है ना, हो गई। अंग्रेजी में कहा, अंग्रेज कुछ कुछ तो अच्छा लिख कर गया, इतना बेवकूफ नहीं अंग्रेज। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ती है कंटेम्प्ट मतलब कम कर देते हैं। आगे हम व्यवहार अभ्यास में इसको देखेंगे, इसमें लिखा है वो, साथ में जीने से कमियां दिखती है, वो दिखेगा ही। अच्छा, पहले कहाँ देखना पता नहीं था, आप दर्शन में 20 आइटम दे दिया देखने के लिए, वो 20 से कंडम कर देंगे उसको, ये भी नहीं है, उसमें विश्वास भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है, सम्मान के जगह ममता के जगह कठोरता है, कठोरता ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, सब आ जाएगा। पहला इतना देखते नहीं थे, लिखा है ममता के जगह कठोरता है, आपको कठोरता के भी ग्रेड बन जाएगा, ये सब मैं अनुभव करके बता रहा हूँ, ये मेरा अपना है ना। तो उसके लिए स्व मूल्यांकन में फिर आपको हमको आना पड़ेगा। हम 5 लोग मनन गोष्ठी कर रहे हैं 1.5 साल से, मानव व्यवहार दर्शन 78 वाला एडिशन पढ़ रहे हैं, 1.5 साल में हमने 110 पेज किया, इतना स्लो चल रहा है। मैं, सुवर्णा दीदी, रविकांत और 4-5 लोग, 5 दिन से चर्चा क्या चल रहा है, मनन का मतलब क्या है, 1.5 साल से मनन गोष्ठी चल रहा है ना, तो मनन का मतलब क्या उसको समझना पड़ेगा। तो टाइटल देने से तो गोष्ठी बन नहीं जाएगी ना, तो हमको जांचना पड़ेगा। आपके पास व्यवहार तो स्वधन स्वनारी स्व पुरुष पूरक जीते हैं कि नहीं, संबंधों को पहचानते हैं कि नहीं, फिर किसी में प्लस किसी में माइनस दिखेगा। हो सकता है कि मेरा शास्त्र ज्ञान बढ़िया है बट मैं बेकार मित्र हूं, इनका मित्रता बढ़िया है शास्त्र ज्ञान कम है, इनका सेवा बढ़िया है बाकी मित्र भी नहीं है शास्त्र ज्ञान भी नहीं है इसी का नाम है पूर्व संस्कार, ठीक, ये रहेगा ही, कहीं जाएगा तो नहीं ना। तो इसमें दर्शन में श्रवण के आधार पर श्रेष्ठता पहचानने का कोई विधि नहीं है, आप उतने ही लोगों में श्रवण की श्रेष्ठता पहचानोगे जितनी आपकी शास्त्र की ज्ञान है। आप मेरे में कमी कब निकाल सकते हो शास्त्र में, मेरे इक्वल अधिक शास्त्र ज्ञान होने के साथ ही ना, उसके पहले कैसे उठा लोगे, मैं आपको परास्त कर दूंगा, ट्राई करके देखो, नहीं जमेगा, ठीक, स्वाभाविक है ना। आप फिजिक्स के क्लास में बैठे हो, टीचर का फिजिक्स गलत बोलने के लिए आपको फिजिक्स का कुछ चाहिए ना ताकत, यहां तक आपको आना पड़ेगा, तब तक मौलाना विल रूल है ना, तब तक हम हमारी चलेगी फर्स्ट इस स्टेज में व्यवहार के कुछ लक्षण परिभाषित नहीं है दर्शन में, मैंने कुछ प्रयत्न किया है बट वो बहुत स्थिर नहीं हो पाता है। क्या स्थिर नहीं हो पाता है, शास्त्र ज्ञान किया हुआ व्यक्ति में क्या सरलता रहेगी, क्या कोई आवश्यकता नहीं, वो भयंकर अभिमान ग्रस्त भी हो सकता है, इसका नाम है पुरोहित ना, वो वाला पुरोहित नहीं, जानकारी के अर्थ में जो मानता है, और बहुत सरलता भी हो सकता है, ये वैरायटी रहेगा। मनन के स्टेज में थोड़ा सा दिखेगा कि वो अपने कमियों पर काम कर रहा है, तो कुछ नियंत्रण दिखेगा जो उनकी कमियां हैं। तो श्रवण के स्टेज में क्या होगा, पहले से उनकी व्यवहार और मानसिकता की जो भी स्ट्रेंथ है वो अच्छा लगेगा, जो वीकनेस है वो खराब लगेगा, वो भी क्या करेगा। मनन का मतलब क्या है, ये जो हमने श्रवण किया है उसके स्वरूप में हम स्वयं होने के लिए प्रयत्न करते हैं, जैसे, और अभी हम बातों बातों में नोट्स के अंदर घुसी गए तो जाएंगे आगे, जैसे हमने धीरता को पढ़ा, धीरता क्या आपको पढ़ा दिया, फिर मुझे देखना पड़ेगा मेरे में धीरता है कि नहीं, फिर मैं धीर होने के लिए प्रयत्न करूं, उसका नाम है व्यवहार अभ्यास, इसी का नाम है मध्यस्थ दर्शन का उपासना। तो कोई व्यक्ति यदि वो प्रयत्न करेगा तो हमको ये दिखेगा कि इसके लिए वो प्रयत्नशील है, पहले जैसे इस मामले में वो पहले जैसे नहीं रहा, उसके लिए हमको लंबा जीना पड़ेगा उस व्यक्ति के साथ, दूसरा कोई विधि नहीं है। इसीलिए लिखा है कि परिवार में ही न्याय समझ में आता है, मैं तो आपको ये 10 दिन में बढ़िया ही लगूंगा, मुझे पता है, ठीक। साक्षात्कार को आप पहचान नहीं सकते,
मेरे को साक्षात्कार है कि नहीं आप कैसे जान चोगे, मैं जो बोलता हूँ वही है। आपको यदि साक्षात्कार है मिनिमम तो आप कोरिलेट कर सकते हो या आपको अवधारणा या बोध चाहिए, नहीं तो मैं आज बोल दूं मेरे पास व्यवस्था का बोध है, आप कैसे डिस्प्रूव करोगे उसको। मान लेते हैं मैं बोलता हूँ मेरे पास व्यवस्था का बोध है, आपके पास कोई विधि नहीं है जांचने का, तो ज्ञान में शास्त्र को जांचने के लिए भी आपको वहां जाना पड़ेगा, है ना, साक्षात्कार को जांचने के लिए भी जाना पड़ेगा। व्यवहार के क्रम में श्रवण और मनन वाले स्टेज में दर्शन में जो दिए व्यवहार के जो नियम है, और वो होंगे 20, 22, 25, 30, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। मैं एक बना रहा हूँ, आप भी एक बनाइए, मैं जब बनाऊंगा मैं शेयर करूंगा, है ना, मेरा बजट पूरा हो जाएगा। तो उसके अगेंस्ट आपको उसको चेक करना पड़ेगा, समान है कि नहीं, मित्रता में कैसा है, ठीक है ना। फिर हर मित्र संबंध में एक व्यक्ति ऐसा ही है कि नहीं, जैसे आप मेरे से छोटे हो तो ये मित्रता में बढ़िया से निभाऊंगा, ये मेरे साथ वाला है इसके साथ मेरा कम पड़ेगा, अब हम दोनों साथ में काम करते हैं, मित्र है, मैं भैया बोलूंगा दबाऊंगा। मैं जब कानपुर गया था मुझे पता चला ये वहां यदि कोई आपको बेटा बोलता है इसका मतलब कोई काम पकड़ाएगा, बेटा उसके बाद काम, बेटा थोड़ा कर ले, अभी तो बेटा बोलता है फिर काम पे लगाता है। अच्छा हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं वो संबोधन, इसलिए मेरे को बहुत ही वो लगता था। ये हमारे भैया हैं, वो कुछ भी हो सकता है भैया, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो आपका बिजनेस चाहता है, कुछ भी हो सकता है वो। एक उदाहरण ले रहा हूँ, कानपुर स्पेसिफिक नहीं, कहीं भी हो सकता है। तो संबोधन मात्र से तो भाव बनता नहीं, ठीक, तो व्यवहार के ही कुछ आएंगे। अवधारणा एक जगह है जहां पर व्यवहार के चीजें स्थिर होती है, इसका नाम दिया है मानवतापूर्ण जीवन। तो यदि कोई व्यक्ति बोलता है उसका अवधारणा हो गया, उनको मानवतापूर्ण जीवन में जीना पड़ेगा या उनमें रहेगा। तो आपके लिए शोध का मुद्दा क्या बनेगा, मानवतापूर्ण जीवन क्या है, वो अभ्यास दर्शन में लिखा है, आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा यदि कोई बोलता है कि बोध हो गया, ठीक, तो उसकी एक स्थिति है, उसकी ज्ञान की एक स्थिति है, उसके आचरण की एक स्थिति है। यदि कोई बोलता अनुभवी हो गया तो ज्ञान की एक स्थिति है, बट आप किसी के अनुभव को जांच नहीं पाओगे। यदि मेरे सामने कोई बोलता अनुभव हो गया, मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लूंगा, वो सही उत्तर देता है तो मैं बात करने के लिए तैयार हूंगा, नहीं तो उधर ही ऑफ कर दूंगा, मेरी जो स्थिति है। एंड ऑफ कोर्स यदि कोई बोलता अनुभव हो गया है तो नागराज जी जैसे व्यवहार करना पड़ेगा, जो लोग उनके साथ व्यवहार किए हैं इसके साथ व्यवहार करके देखेंगे, नहीं अनुभव हो गया का मतलब यूर इक्वल टू नागराज जी, है ना, आपको फोटो डलेगा जैसे उनका लगा था, सब लोग बोलेंगे उनके बारे में, ये सब चाहिए शास्त्र प्रमाण, मतलब लोग उसको, आप लोग मान लिए ना उनको, बिना मिले ही मान लिए कि इनको अनुभव हो गया, बढ़िया कल फोटो लगा था उनका। हमारे राकेश गुप्ता जी ने उस फोटो को खींचा था 2004 में छोटे से नोकिया के फोन से, ये वाला जो है वो एक ही फोटो है उनके फैमिली का और माता, ठीक है। तो जांचना ऐसा है, अवधारणा से कम में स्थिर व्यवहार को ना आपको अपेक्षा करना है ना आप जान सकते, स्थिरता नहीं आती है व्यवहार में, अप डाउन रहता है। उसको प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग मतलब जो भी मैं संकेत जितने भी लोग हैं कि उसको हम वो करें, बट अभी उसके कंक्लूजन पे मैं नहीं पहुंचा हूं, अभी लगेगा 4-5 साल कि श्रवण की स्थिति में हम कैसे देखें, ठीक है। उसके और डिटेल में, ये मोटा है पैकेट, इसके अंदर के छोटे छोटे पैकेट को खोलेंगे तो फिर आराम से नेक्स्ट स्टेज जब हम अध्ययन विधि करेंगे तब करेंगे, ठीक है। इसमें आता है आगे, बट अपने पास देखते हैं पहुंचते हैं कि नहीं। बढ़िया, ये सब यूजफुल है बात करना। देखिए हम लोग जब इसमें आए थे तो अध्ययन विधि समझ ही नहीं आता था, मैंने एक प्रबोधक को पूछा मेरे पहले वाले, उन्होंने बोला अभी आप जो कर रहे हैं उसी को करते रहना। दूसरे किसी व्यक्ति को पूछा, उन्होंने कहा कि अपनी स्वीकृति के अनुसार इसको जांचो। मेरी स्वीकृति क्या, यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने नागराज जी को पूछा अध्ययन क्या है, बोले पानी एक शब्द है, पानी एक वस्तु है, शब्द के अर्थ में
अस्तित्व में वस्तु को समझना ही अध्ययन है. सो लेट्स स्टार्ट विद अध्ययन विधि. तो नंबर एक, अध्ययन विधि का शिविर, ऐसा कोई शिविर है नहीं, ये मैं ही एक लेता हूँ, मेरा होप है कि बाकी लोग भी लें. मैं ही एक लेता हूँ, उससे ये भी एक प्रॉब्लम है कि ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात मनवाना चाह रहा हूँ, तो ये बड़ा मेरे लिए वो है, विडंबना है. तो इसमें लिखा है, इस दस्तावेज को मध्यस्थ दर्शन वांग्मय एवं नागराज जी के साथ हुए संवाद के साथ ही पढ़ें, है ना, उसको आप जांचिए. नंबर एक, आगे जाइए, ये सब डिस्क्लेमर है ना, ये सब में है ना, जहां भिन्नता प्रतीत हो लिखित वांग्मय को आधार माने. लिखित मतलब वो जो डिजिटल लाइब्रेरी में है, वो उनके हाथ से जो लिखा वो भी स्कैन होके चले गया, 10-15 हज़ार पेज है. यह प्रस्तुति एक विद्यार्थी के हैसियत से है ना, शोधकर्ता के रूप में, ये भी मैंने क्लियर कर दिया. नेक्स्ट, ये प्रस्तुति हमारे अध्ययन क्रम में, एक्चुअली यहाँ रखने से फिर मैं खुद भी कर सकता हूँ, नहीं तो ऐसा है सुविधा है दे दीजिए, फिर क्या ऐसा नहीं, फिर ये पहले से सिंहासन कराइए बैठने वाला, मेरा नाम भी नरसिम्हन है, सिंह शब्द पहले से उसमें लिखा है, नहीं ये सिंह, इसमें थोड़ा गेरवा कपड़ा डाल दो तो हो गया काम, तो ये ठीक हो गया, है ना, सेल्फ सफिशिएंट हो गया मैं, ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, बेटा थोड़ा आगे वाला स्लाइड दिखा दे. अभी कोई भैया बोलता है ना, मैं तुरंत सतर्क हो जाता हूँ. कोई भैया बोलता है, मैं देखता अभी नेक्स्ट क्या आएगा. बेटा तो और खतरा है. एक कोई है इधर ही मेरे से 7-8 साल, उन्होंने एक बार मुझे बेटा बोल दिया. मैं बहुत देर घूर के देखा कि इसको मैं मम्मी कैसा बोलूं, है ना, मैं बहुत सोचा. अब वो बेटा बोल जाए तो मुझे मम्मी बोलना पड़ेगा. फिर बहुत मुश्किल से बोला, यस आंटी. उसके बाद वो मेरे को बेटा नहीं बोले. चलो, तो ये तो जब मानव तीर्थ में था, मैं उधर नहीं रहता हूँ, बट हो गया. सुधार संपर्क, एक पुष्पेंद्र साहू हैं जूनियर, उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया. इसमें जो खराब हैंडराइटिंग है मेरी है, जो अच्छी हैंडराइटिंग है पुष्पेंद्र की है, ठीक है, तो बढ़िया. तो मैं इसी में देख के बोलूंगा ना, मेरा गर्दन भी बचेगा. एक तो भूमिका है, ठीक है ना, क्यों समझना है, ये कर्सर भी दिखता है, वो वेरी गुड, ये आलस्य का प्रमाण है, बिना उठे या एनर्जी सेविंग. एक तो ये क्लियर करें कि हमको समझने की आवश्यकता क्या है ना, और ये आपको अपने में रिफ्लेक्ट करके देखना चाहिए. परिचय शिविर यहां से प्रारंभ करता है कि सुखी होना है, फिर वो शब्द देते हैं निरंतर सुख, ठीक है ना, फिर सुखी होने के लिए हम देखते हैं कि समाधानित होना है. क्या समाधानित होना है, कुल मिलाकर देखेंगे, शायद पिछले बार मैं आपके साथ था, इसके साथ इसके लिए उठना पड़ेगा. ये चार जगहों पर करना है हमको. एक, हमारे सुखी दुखी होने का स्रोत हमारा बौद्धिक स्तर है, जो हम अंदर ही सुखी दुखी होते हैं, उठपटांग विचार, बहुत सिंपल है ये. दूसरा, व्यवहार है सुखी दुखी होने का स्रोत. और तीसरा है, भौतिक चीजों के साथ हम सुखी दुखी होते रहते हैं. ये जिज्ञासा के अर्थ में भी हो सकता है और प्राप्ति के अर्थ में भी हो सकता है, दो, है ना. तो मैं जे और पी लिखूंगा इधर, जिज्ञासा एंड प्राप्ति. क्या, कि व्यवहार का तात्पर्य क्या है, वो आदमी ने ऐसा क्यों किया, ये आदमी ऐसा क्यों है, मन ही मन, वो करने के पहले ही या करने के बाद, कॉन्टैक्ट कम होता है. तो ये जो पूरा घूमता है वो बौद्धिक स्तर पे होता है, और जो कॉन्टैक्ट से जो दुखी होता है वो कायिक या वाचिक रूप से होता है. कायिक व्यवहार में यह है कि झापड़ मार दिया, या मैंने क्या है कुछ पूछा उसने दिया नहीं, वाचिक में उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा कैसा बोल दिया, या भगा दिया, कुछ कर दिया. भौतिक में भी वैसे ही है. जिज्ञासात्मक जो पीड़ा होती है भौतिक में, वो साइंस है, जो हमने फर्स्ट सेशन में कवर किया है ना. प्राप्ति की जो है वो भोग है. उस प्राप्ति के लिए जो प्रतीक है उसका नाम है पैसा. वो पैसा प्राप्त करने का विधि है नौकरी या व्यापार, ठीक. तो ये हमारे सुखी दुखी होने के तीन है. और चौथा एक है आध्यात्मिक.
प्रश्न यदि हमारे में बनते हैं, है ना, ये प्रश्न क्यों कैसे से संबंधित प्रश्न है जो हम देख भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर जीवन निर्देश शिविर कहाँ से शुरू करता है, क्योंकि अभी मानव अधिकांश इसमें तदाकार है भौतिकवादी दृष्टि से, तो यहां से उसको फोकस इधर शिफ्ट करके फाइनली इधर शिफ्ट करता है, ठीक है ना। अभी जो जीवन निर्देश, इसलिए अभी का जो जीवन निर्देश परीक्षा शिविर ये कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है, समय के साथ बदलेगा, ऑडियंस के साथ बदलेगा। यदि बुद्धि प्रधान लोगों से हम बात करेंगे तो वहां से बात शुरू करेंगे, यदि सामान्य जनजाति से बात करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। किसी के परिवार में प्रॉब्लम है तो यहाँ से शुरू करेंगे, किसी के परिवार में प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसकी जो दूसरी प्रॉब्लम है जो बौद्धिक समस्या है वहां से शुरू करेंगे, ठीक। इसे ये चार प्रकार का शिविर है अपने में, इधर से इधर शिफ्टिंग एक शिविर, इधर से इधर शिफ्टिंग दूसरा शिविर, थर्ड को एड्रेस करने वाला तीसरा शिविर, नागराज जी जो लेते थे फोर्थ था उनका परिचय शिविर। तो उनके अनुसार जो परिचय शिविर है वो अभी हमारा अध्ययन बिंदु कहलाता है, वो है परिचय शिविर, उसके ऊपर लिखा है जीवन विद्या अध्ययन बिंदु। तो मेरा एक कल्पना है कि कभी मैं उसी को परिचय शिविर के रूप में लूं, है ना। कोई बुला नहीं रहा है, कोई बुला लेगा तो करके दे सकता हूं। तो ये मेरा परिचय शिविर में खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब 6-7 ही लिया हूं और कोई वापस नहीं आया। और ये भी रिकॉर्ड है कि आज तक किसी ने बुलाया नहीं, एक्सीडेंटल हुआ है। एक बार इधर ही लिया था मैंने 80 लोगों का, सोम भाई को लेना था, उनको फीवर हो गया 7-8-10 साल पहले 2011 में, उन्होंने कहा आप ले लो, तो मैं लिया, इधर ही लिया। तो वो चेक करने के लिए उधर कोने में बैठ गए देखने के लिए कि ठीक से ले रहा है कि नहीं। तो कुल मिलाकर ये चार स्तर, तो ये हमारे दुख के चार स्तर, सुख के चार स्तर, जिज्ञासा के भी चार स्तर और समाधान के भी चार स्तर है। तो भौतिक दुख या भौतिक जो दुख है उसका समाधान है भौतिकता को समझना तथा भौतिकता के साथ मेरा जो संबंध है उसको समझ लेना, दोनों चाहिए, ठीक है ना। जैसे चाय पीना है, कितना चाय पीना है, चाय वस्तु को समझे बगैर चाय कितना पीना इसका उत्तर निकलता नहीं। चाय जिस कंटेनर में जाता है मनुष्य का पेट उसका समझे बिना तथा चाय एवं पेट के योग को समझे बिना चाय कितना पीना है इसका उत्तर निकल ही नहीं सकता। ये तर्क विधि से हमको समझ में आता है, बराबर। तो क्या समझ में आता है, ये छोटी चीज कितना चाय पीना है इसको निर्णय करने के लिए, क्योंकि सुख का स्रोत है और हमको ये भी पता है दुख का भी स्रोत हो सकता है, उसको समझने के लिए इतना चार डेटा पॉइंट चाहिए हमको, ठीक। तो जो पहचानने निर्वाह करना इसको बोलते हैं भौतिक वस्तुओं के साथ, उसके लिए ये सारा करना पड़ता है। वैसे ही है व्यवहार, किसी मनुष्य के साथ व्यवहार यदि करना है ना, मेरे अंदर व्यवहार की अपेक्षा वो आदमी व्यवहार को कैसा मानता है, दो व्यवहार वास्तविकता में क्या है, तीन, ये तीन को समझ के फिर व्यवहार का उत्तर निकलता है। ये अधिक सूक्ष्म है, इससे भी सूक्ष्म है बौद्धिकता, एक आदमी कैसा सोचता है, मैं कैसा सोचता हूँ, ठीक। उसमें दुख या सुख को प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को पहले समझना पड़ेगा, है ना। तो मानव ज्ञान अवस्था की इकाई है। तो परिचय शिविर में हमको ये समझ में आता है कि सुख के लिए समाधान, इधर हम समाधान की तलाश में आते हैं तो अध्ययन शिविर बोलता है समझ से समाधान होगा, फिर अध्ययन विधि से हम ये समाधान और समझ, और समझ कैसा आएगा, ज्ञान से आएगा, है ना, जो स्थिर ज्ञान है, मतलब स्थिर समझ, उसके पहले अस्थिर होगा, ठीक। तो ये ज्ञान, दूसरा है ये क्लियर होना कि समझने की वस्तु क्या है। क्या लगता है आप लोगों को, अध्ययन शिविर मतलब आपका आपका समाप्त होते आ गया है, समझने की वस्तु क्या है, स्वयं को समझना, है ना। ये सब समझना, ठीक, ये सब समझने की वस्तुएं हो गई। दर्शन में उसको अनेक विधियों से बताया है, तो पहले ये क्लियर होना कि समझने की वस्तु क्या है, दर्शन किस चीज को इंगित कर रहा है, भाषा के रूप में अस्तित्व, दर्शन, जीवन, ज्ञान, है ना, मान्यता, पूर्ण आचरण, ये सब। तो ये जो थियोरी वाला पार्ट है ये आपको यहाँ अध्ययन शिविर में मिला है ना। परिचय शिविर फर्स्ट को क्रिएट करता है। अभी आइडियली ये होना चाहिए कि मानव क्योंकि ज्ञान अवस्था की इकाई है तो उसको ज्ञान के लिए तलाशना चाहिए, अभी नहीं तलाशता है,
हो सकता है 500 साल बाद सोसाइटी ऐसी रहे कि हर आदमी ज्ञान के लिए तलाश रहा, अभी तो नहीं तलाश रहा है, संख्या बढ़ रही है, तो फिर शिविर का डिजाइन ही बदल जाएगा, हमको सब बोलने की जरूरत ही नहीं है, उससे सुख नहीं मिलता, वो सब पता ही है उसको, वो ऑलरेडी आंसर ढूंढ रहा है, सीधा हम आंसर दे दें तो बहुत टाइम बचेगा दोनों का, ऊर्जा भी बचेगी, अभी नहीं है। तो ये समाज की स्थिति के अनुसार है, ऑडियंस के अनुसार है, ये समझ में आता है ठीक। फिर कैसे समझना है, हम इस शिविर में करेंगे, समझने की विधि क्या है, ये अभी का जो सत्र है इसका जो प्लेसमेंट है वो ऐसा है। अध्ययन की उद्देश्य तीन में दिया है, सर्वप्रथम क्या है अध्ययन की उद्देश्य, एक्चुअली अध्ययन की उद्देश्य क्या है, जो लिखा है उसको छोड़ के यदि हम सोचेंगे तो अध्ययन क्यों करना है, है? समझने के लिए, जीना समझाना, ठीक है, लक्ष्य स्थिर होने के लिए, ये सब। तो जो मॉर्निंग वाले सत्र में मैंने किया था कि थियोरी है, थियोरी की लेकर हम समाज या मतलब शास्त्र लेकर उसको अपनाने जाते हैं, फिर थियोरी को समझने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा भी बनती है, हमारे जीने में भी हमको कमी दिखती है, वो कमी से भी हमको अतृप्ति होती है, उससे जो प्रॉब्लम होता है उससे भी हमको अतृप्ति होती है, सो दुख से मुक्त होने के लिए या भ्रम से मुक्त होने के लिए हमारे में समझने की आवश्यकता बनती है। दो ही मुद्दा है, या तो आदमी दुख से मुक्त होता है, दुख भी इसी चार जगह है, भौतिक दुख, व्यवहारिक दुख, बौद्धिक दुख, आध्यात्मिक दुख, है ना। जैसे बाबा जी का दुख क्या था, आध्यात्मिक दुख था, भौतिक व्यवहारिक और बौद्धिक नहीं था, कौन से ग्रेड का था उनका दुख और जिज्ञासा, आध्यात्मिक, सत्य का मूल स्वरूप क्या है ना, और मनुष्य का उसमें स्वरूप क्या है, वो भाषा के रूप में बोलते हैं सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हो गया, वो सोचने मात्र से कोई समाधि नहीं कर सकता, सोचे हुए बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग लिख कर भी गए। एक रामानुजाचार्य बोल के हुए थे 1000 ईयर्स अगो एग्जैक्टली, है ना, वो उस पर सोच के पूरा दर्शन ही लिख कर चले गए, वो सत्य से मिथ्या क्यों पैदा हुआ अलग लिखा है, है ना, तो बट उससे पूरा नहीं पड़ता है। तो ये इसमें यदि हम देखेंगे तो तीन उद्देश्य लिखे हैं, एक तो ज्ञान अवस्था की इकाई के रूप में जागृति क्रम में स्वयं पहचानना, पहले अपने आप को ज्ञान अवस्था की इकाई में के रूप में हम पहचान पाए अध्ययन की विधि में, और फिर वहां पर मैं कहां पर खड़ा हूं वो भी मैं पहचान पाऊं उस जागृति क्रम में, जागृति क्रम एक यथार्थ है, उसमें मैं कहीं खड़ा हूं, है ना। जैसे मैं बता रहा था, हम या तो शास्त्र प्रधान हो सकते हैं हमारी मानसिकता, हमारा वाद प्रधान हो सकता है, हमारा दर्शन प्रधान हो सकता है, शास्त्र प्रधान में भी हम व्यवहार को अधिक महत्व देते हैं, हम समाज कार्य को अधिक महत्व देते हैं, हम लाइफस्टाइल को अधिक महत्व देते हैं, ये तीन भाग और बनेगा, बताया था सवेरे याद है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, है ना। तो हम क्यों समझ रहे हैं, दूसरों को समझाने के लिए समझ रहे हैं, है ना, परिवार में प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं, आलू उगाने के लिए कर रहे हैं, आलू उगाना मतलब लाइफस्टाइल, मतलब हम मतलब कैसे उत्पादन की विधि, तो ये तय होता। दूसरा समस्या या दुख से मुक्ति, है ना, और समाधान, तो ये दुख से मुक्ति। दूसरा भ्रम से मुक्ति, भ्रम से मुक्ति का मतलब जिज्ञासा की शांति, अस्तित्व में सभी वस्तुओं के सभी आयाम को समझना, ये अध्ययन का उद्देश्य है ठीक। ये तीसरे वाले में जो है इसका नाम है भासाभास प्रतीति। जैसे आप में भी जिज्ञासा, आप क्वेश्चन पूछते हैं, वो या तो स्पष्टीकरण को लेकर क्वेश्चन होता है या दुख के किसी छोर को लेकर हमारा क्वेश्चन होता है। आप कभी परिचय शिविर भी लेंगे तो ये दो ही प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, और ये जो दो हैं ये चार में से किसी एक आयाम से ही रिलेटेड होगा, या तो भौतिक दुख है या भौतिक जिज्ञासा है, प्रकाश क्या है ये भौतिक संबंधित जिज्ञासा है ना, मित्र संबंध का स्वरूप क्या है ये व्यवहार प्रधान जिज्ञासा है ठीक है ना, मनुष्य की मानसिकता क्या है ये बौद्धिक प्रधान जिज्ञासा है, इकाई और व्यापक में संबंध क्या है ये आध्यात्मिक जिज्ञासा है। तो ये अध्ययन का उद्देश्य, ये आपको रिफ्लेक्ट करना है, मैं तो अभी बोल रहा हूं आपको, आप सुन रहे हैं, इसके बारे में आपको सोचना है बाद में ठीक है ना, या अभी सोच लीजिए तो ज्यादा अच्छा। अध्ययन की परिभाषा तीन विधि से दिया है, सर्वप्रथम ये बाबा जी का ही लिखा हुआ है, मतलब उसको मैंने इधर उसके शॉर्ट फॉर्म किया है। एक तो शब्द का अर्थ, अस्तित्व में वस्तु के साथ तदाकार होना, हर शब्द का एक अर्थ होता है,
उस अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है, उस वस्तु के साथ तदाकर होना, इसको अध्ययन कह रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड है, ये आप सभी लोग सुने हैं, अधिष्ठान की साक्षी व अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक किया गया क्रिया प्रक्रिया व प्रयास। इसमें अधिष्ठान शब्द के मतलब को हम देखेंगे, अनुभव शब्द के मतलब का देखेंगे, रोशनी शब्द को समझेंगे, स्मरण शब्द के तात्पर्य को समझेंगे, क्रिया शब्द का तात्पर्य समझेंगे, प्रक्रिया शब्द का तात्पर्य समझेंगे, प्रयास शब्द का तात्पर्य समझेंगे, ठीक है ना। तीसरा लिखा है, श्रवण मनन निरिध्यासन की संयुक्त प्रक्रिया ही अध्ययन है, ठीक। इसकी जो कंबाइंड प्रोसीजर है, संयुक्त प्रक्रिया का मतलब कंबाइन करना उसको, ये प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन है। ये जो तीसरा वाला परिभाषा है, ये हमको प्रक्रिया को बताता है, क्या प्रोसीजर है एक, ठीक। दूसरा क्या बोलता है, उस प्रोसीजर से जब आप चलोगे तो आपको होगा क्या, तो आप अधिष्ठान के साक्षी में स्मरण पूर्वक क्रिया प्रक्रिया कर पाएंगे, और उससे उपलब्धि क्या होगी, शब्द के अर्थ में अस्तित्व में जो वस्तु है उसके साथ आप तदाकर होके उस वस्तु का ज्ञान होता है ना। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सी वस्तुएं ज्ञान की वस्तुएं हैं। ज्ञान मतलब साक्षात्कार से प्रारंभ होता है, ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुभव, और कौन सी वस्तुएं हैं जो पहचानने निर्वाह करने की वस्तुएं हैं। जैसे शिविर कैसा लेना है, ये ज्ञान है क्या, नहीं ये कला है। ये नोट बनाना, ये ज्ञान है क्या, नहीं ये कला है, ये कलाकारी है। आप बनाएंगे दूसरे विधि से बनाएंगे, इसी को बोलना पड़ेगा दूसरे विधि से बनेगा। ये हैंड राइटिंग पुष्पेंद्र का है जो अच्छा वाला है, मैं पहली बार इधर ही बैठ के लिखा था छोटी में, उधर एक सत्र लेना था, उसमें अध्ययन विधि और अनुभव दर्शन कंबाइंड था और 6 ही दिन थे, तो मुझे लगा मैं पूरा ही नहीं हो सकता, उधर रुक रहा था, उस बिल्डिंग में नीचे हो रहा था, उसमें तिरुमलय वगैरह थे, आप भी थे, तो तिरुमलय ने आइडिया दिया कि तुम PDF बना दो, तो बोला बात तो सही है, तो मैं सवेरे बैठ के उसको लिख दिया हैंड रिटन, तो बड़ी राहत मिली। बट उस समय यहाँ प्रोजेक्टर था, हम प्रोजेक्टर किए, प्रोजेक्ट किए, हाँ वही ठीक है ना, लिनक्स से उसको किया था। दूसरा शब्द है अभ्यास, इस शब्द के अर्थ को भी हमको समझना पड़ेगा। अभ्यास एक लिखा है, क्यों कैसे का उत्तर पाने के लिए किया गया कायिक वाचिक मानसिक क्रियाकलाप। अभ्यास का मतलब क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए या साधने के लिए मैं बार 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 किसी प्रक्रिया से गुजरता हूं। जैसे बैटिंग का नेट प्रैक्टिस, एक आदमी बैटिंग या पिच में खेलने के लिए रोज 50 बार बॉलिंग डालेगा, ठकाठक 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 ठकाठक, इसका नाम है अभ्यास। तो हम आगे जाके एक शब्द देखेंगे, शास्त्र अभ्यास, बार बार पढ़ना, व्यवहार अभ्यास, बार बार व्यवहार पर ध्यान देना, कर्म अभ्यास, बार बार कर्म पर ध्यान देना। ये समझ में आता है, है? तो अध्ययन और अभ्यास जुड़ी हुई शब्द है, अभ्यास पूर्वक ही हम अध्ययन करेंगे, अभ्यास की उपलब्ध है वस्तु का ज्ञान, ये पकड़ में आता है। अध्ययन अभ्यास दो शब्द हैं, कुछ मोटे उसको रख दूंगा मैं। आगे आएगा, अंतर कुछ नहीं है, अध्ययन ही अभ्यास है, यदि बहुत प्रिसाइसली देखने जाएंगे तो आ जाएगा वो। और वो दूसरा, वो जो 98 पेज का दिया है, एक तो आज लंच टाइम में हम संवाद 2 के किन्हीं चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो सबके पास है कॉपी, है उपलब्ध हो जाएगा, संवाद 2 है, मतलब है स्टॉक, है स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक था बीच में, मतलब लो स्टॉक में चल रहा है, रीप्रिंट के लिए जाना है, आपके पास है तो, नहीं है ठीक है, कुछ शेयर करके पढ़ लेंगे, तो उसके किन्हीं अध्यायों को हम पढ़ेंगे। और एक 98 पेज का मैंने एक प्रारंभिक संकलन किया है यहीं पर, हाँ तो यहीं पर दोपहर को यहीं पर प्रोजेक्ट करके सब लोग इकट्ठा पढ़ सकते हैं उस नोट्स का। किसी को वो अटपटा लगता है तो कहीं से प्रिंट आउट ले लीजिए, जो 1 रुपए 2 रुपए एक पेज का बनता है, जितने पैसे में बुक छपता उतने में प्रिंट आउट भी हो जाता है, थोड़ा कलर कवर का रंग नहीं रहता, बाकी ब्लैक एंड व्हाइट ही है सारे दर्शन के बुक, रंगीन नहीं है ठीक। तो उसमें दिया है, और तो किसको अभ्यास बोलेंगे, तो अध्ययन के ये वाले जो पार्ट है हम आगे देखेंगे, श्रवण और मनन मिलके अभ्यास है, निधिध्यासन अध्ययन है,
साक्षात्कार, अध्ययन किया हूं का मतलब साक्षात्कार किया, मतलब समझ में आया, उसके पहले अध्ययन कर रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं मतलब कुछ तो कर रहा हूं, पुस्तक पढ़ रहा हूं है ना, या मनन कर रहा हूं, और बीच में एक स्थिति आती है उसका नाम है फ्लोट, या फ्लोट स्टेटस में हूं। ऐसे सवेरे पुस्तक पढ़ा फिर बाकी दिन फ्लोट स्टेटस में चले गया, कोई होश नहीं, फिर एक घंटे बाद याद आया कि मैं जीवन हूं, फिर फ्लोट स्टेटस में चले गया, फिर बुधवार को व्यापक वस्तु ध्यान आता है ना, फिर गुरुवार को आता है, बुधवार को भूल जाता हूँ, ये फ्लोट स्टेटस है बीच का, ये समझ में आता है, ठीक है ना। तो हम आगे मनन में भी देखेंगे, तो ये श्रवण और मनन मिलके अभ्यास, उसको हम देखेंगे और खोल के, फिर साक्षात्कार बराबर अध्ययन, फिर उस साक्षात्कार को अवधारणा में परिवर्तित करने के लिए पुनः अभ्यास, अवधारणा को बोध करने के लिए अभ्यास, बोध को अनुभव करने के लिए अभ्यास, प्रैक्टिस। तो अभ्यास मार्ग है, अध्ययन उसकी उपलब्धि है, वो अध्ययन ही अभ्यास है, इसीलिए दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो अध्ययन की परिभाषा, अभ्यास की परिभाषा, कल से लॉन्ग रख लूंगा। अध्ययन सफल होने के लिए अनिवार्य क्या है, यह अभ्यास दर्शन योग अभ्यास के चैप्टर से लिया है। एक, प्रामाणिकता, या तो जागृत व्यक्ति चाहिए, अभी ये शॉर्ट सप्लाई में है ना, ये दिन है उसमें हम ये पूरे नोट्स को तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम फर्स्ट हाफ को करेंगे, और बट मुझे लगता है आपको कुछ बेसिक जो कूटे हैं वो ध्यान में आ जाए और उसकी क्लैरिटी बन जाए, वो अधिक महत्वपूर्ण है, फिर उसका जो नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटेल है जितना हम कर सकते करेंगे, फिर कभी फिर मिलेंगे तो करेंगे। तो इसका नाम है प्रामाणिकता, या अनुभव मूलक दर्शन चाहिए। तो आप जो बोल रहे थे कि भाई कौन से दर्शन को लेकर चलूं, तो भाई अनुभव मूलक दर्शन है कि नहीं आपको जांचना है, ठीक। तो यदि आपको बहुत दर्शन अनुभव मूलक लगता है तो उसको लेकर चलना। हम यहाँ पर बैठे क्लियरली हमको मध्य दर्शन करना, तभी यहाँ पर समय लेकर आए या करने का सोच रहे। तो 1A फर्स्ट में लिखा है, हम स्वयं समझ सकते हैं, इस पर विश्वास होना, अपने पर तो विश्वास होना पड़ेगा कि मैं समझने योग्य हूँ, है ना। दूसरा, तदाकार तद्रूप होता है इसे स्वीकारना, मतलब अस्तित्व में जागृति होता है इसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। अस्तित्व में जागृति होता है कि नहीं क्या पता, नागराज जी को जो दिखा पूरा दिखा कि नहीं क्या पता, ये सब जो है श्रवण के पहले की स्टेजेस है, शंका मुक्ति, उस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। वो फर्स्ट हाफ मैंने जो लिया शंका मुक्ति वाला था, ये वैज्ञानिक पद्धति से समझ में आएगा कि नहीं, कि बौद्ध पद्धति, कि विपश्यना पद्धति है ना, कि सांख्य दर्शन, कि न्याय वैशेषिक में ऐसा लिखा है, मीमांसा में ऐसे लिखा है, उसका इसका क्या तालमेल है, ये सब शंका मुक्ति वाला स्टेज है। उसमें भी हम विद्वान हो सकते हैं, ये आपका शंका मुक्ति वाला स्टेज 2 दिन भी हो सकता है और 50 साल भी हो सकता है, ठीक। पर पूर्णता को स्वीकार के फिर हम आगे बढ़ते हैं, तभी वो आगे अध्ययन से जुड़ता है, नहीं तो अध्ययन से जुड़ने में उसमें तकलीफ होती है। ये तो वही बोलते हैं ना, जैसे मैं आपको करियर को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, मैं लॉयर बनूं कि डॉक्टर बनूं कि अच्छा तीनों यदि बना है तो फिर बोलेंगे पहले 8 साल में लॉयर बनूंगा, उसके बाद पुलिस वाला बनूंगा, फिर एनजीओ में काम करूंगा, फाइनली यही है, इसका मतलब तीनों आएगा, उसका नाम है साबुदाना खिचड़ी, है ना, 3 चीजें मिलती है उसमें, बट उससे अध्ययन नहीं होता है। साबुदाना खिचड़ी में महाराष्ट्र में 3 ही चीज डालते हैं, साबुदाना, मूंगफली, 4 आलू कभी कभी डालते हैं, जीरा डालते हैं, हरी मिर्च, 5वां घटक पता तो उसका तेल है, मैं बनाता हूं इसलिए याद है। तो ये 1A, बट ये इम्पोर्टेंट है अध्ययन में,
एक, दूसरा लिखा हुआ को या अनुभव मूलक दर्शन या जागृत व्यक्ति क्या करते हैं, लिखा हुआ को स्पष्ट करते हैं या वस्तु को समझाते हैं। जागृत व्यक्ति नहीं है तो जागृत व्यक्ति से सुना हुआ व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है ना, और अध्ययन में दिशा देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, ठीक है। तो किसी भी दर्शन की जो अध्ययन विधि लिखी जाती है वो किसी देश काल के लिए नहीं लिखी जाती है, वो कालातीत होता है, ठीक। तो मध्यस्थ दर्शन की अध्ययन विधि ये मानकर लिखा गया कि जागृत व्यक्ति उपलब्ध रहेंगे। आज 2023 में उपलब्ध नहीं है, उसके लिए नहीं है, उसके लिए फिर हमारे पास वो है फिक्सिंग, है ना, एरल लाइट लगा चिपका पुकाप के कुछ करेंगे। तो ये है, उसी में आता ये इन्होंने जो पूछा कि किस पर विश्वास करें, उसका आधार क्या है, भाई किसकी बात सुने, है ना। उसके लिए मैं सवेरे बता दिया था। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रामाणिकता, सेकंड रिक्वायरमेंट है शास्त्र अध्ययन, है ना। तो दर्शन ये कह रहा है कि बिना शास्त्र के अध्ययन के अध्ययन सफल हो नहीं सकता। यदि मैं सोचूं कि मैंने अनुभव दर्शन और मानवहर दर्शन पढ़ लिया है, उसमें तो सारी वस्तुएं हैं, इसीलिए मैं हो गया ज्ञानी, दर्शन बोलना नहीं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता होगा बट इससे होता नहीं। कितने बार पढ़ना है उसका उत्तर मतलब आगे आएगा, पूछा गया है। तीसरा है स्वप्रेरणा, स्वयं की इच्छा या जिज्ञासा, है ना, उसको हमने प्रीवियस स्लाइड में ले लिया था। पहले सुखी होना है कि नहीं, सुख के लिए समाधान होना है ये क्लियर है कि नहीं, समाधान के लिए समझ होना ये क्लियर है कि नहीं, समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता ये क्लियर है कि नहीं, है तो चार ही लाइन, ठीक, या चार ही शब्द, चार लूप है, बट उसको फैलाने अंदर बिठाने में समय लगता है, इससे हमारी प्राथमिकता निर्धारित होती है। फिर अध्ययन करते समय हमारी कौन सी चीज पर प्राथमिकता है ये एक अलग चीज है। मेरा पढ़ने में अधिक प्राथमिकता है, किसी को पढ़ाने में प्राथमिकता है, कोई बिल्डिंग बना रहा है उसको अधिक प्राथमिक लगता है, सब अध्ययन ही कर रहे हैं। तो ये सब अभ्यास के छोटे छोटे अंग हैं, ठीक है, वो सब भी आएगा। अध्ययन के लिए आवश्यक, ये ऊपर है अनिवार्य, इसके बिना अध्ययन हो ही नहीं सकता। अनुभव मूलक दर्शन नहीं है, उसका शास्त्र अध्ययन नहीं किया या जिज्ञासा नहीं है तो अध्ययन हो नहीं सकता। तो क्या हो सकता है, हम सूक्ष्म या प्रेरित इच्छा के साथ हम दर्शन को पढ़ के उसको विचार करके उसको अपने जीने में अपना साथ करने का प्रयत्न करेंगे, अनुकरण अनुसरण प्रयत्न करेंगे, वो भी अच्छा है, कुछ नहीं के भला यही सही, ठीक है। अध्ययन के लिए आवश्यक, कि आवश्यक अनिवार्य नहीं है। तीन, फर्स्ट संयमित दिनचर्या, है ना, 12 बजे उठ के पिज्जा खा रहा है मुश्किल है, एक दो दिन कर सकता है, बुक पढ़ने तक कर सकता है, उसके बाद नहीं जमेगा। कुछ संयमित दिनचर्या और रेगुलरिटी चाहिए दिनचर्या में, उठपटांग टाइम पे सो रहे हैं उठ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, रैंडमनेस में अध्ययन होता नहीं। शुचिता मतलब क्लेनलीनेस, साफ सफाई, साफ सफाई का मतलब केवल झाड़ू मारना नहीं, अंदर भी झाड़ू मारना है, तो व्यवहार के नियम अनुसार जीना, ठीक। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की प्रवृत्ति, मतलब उसमें प्रवृत्त होना। दूसरा उत्साह, ये बाबा जी इधर बोले थे अंजनी भैया के घर में, सेकंड, फर्स्ट वाला इज फ्रॉम अभ्यास दर्शन, सेकंड इज फ्रॉम अंजनी भैया का हाउस, जो पूछा गया, कोई और पूछ रहा था मैं सुन रहा था तो फिर बाद में इस पे डाल दिया मैंने उत्साह। उत्साह तीन चीजों पे आता है, एक स्वयं पर विश्वास जो हमको फर्स्ट वाले पॉइंट से मिला, दूसरा मार्ग पर विश्वास, यह अध्ययन की विधि है इस पर मैं चल सकता हूं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप इसको आज पढ़ रहे हो पर जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे मार्ग क्या है ये भी एक शोध का मुद्दा है, फिर उस मार्ग पर भी विश्वास होगा आपको, ये समझ में आता है, ये लूपिंग प्रोसेस है, ये समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि पहले स्वयं पर विश्वास हो जाएगा 3 महीने में, उसके बाद मार्ग पे विश्वास 6 महीने में होगा, उसके बाद बाकी लोगों पे विश्वास 8वें महीने में होगा, ये ऐसा चलेगा। प्रत्येक एक में ये बढ़ेगा, उससे ये पुष्ट होगा, उससे ये पुष्ट होगा, शास्त्र अध्ययन होगा उससे मार्ग पुष्ट होगा, मार्ग पुष्ट होगा उससे विश्वास बनेगी, विश्वास पूर्वक मार्ग पे चलेंगे फिर उस पर विश्वास होगा, कोई एक समय में वो स्थिर हो जाएगा, है ना। उससे तब तक कुछ श्रवण हुआ रहेगा, उसके बाद वो श्रवण की जो गति है वो एकदम तीव्र बन जाएगी। श्रवण भी कोई एक
वो नहीं है कि आप बोल सकते एक बाल्टी में मेरा भर दिया, ऐसा नहीं है। अलग 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 उसकी गहराई है, ठीक है ना। जैसे भाई हम बैंक में काम करने जाते हैं, कोई कोई तो विश्वास है बैंक का, हम पर विश्वास होता है, हम काम करते हैं, करते करते हमको विश्वास हो जाता है कि मैं रोज यहाँ जाता हूँ, तो पहले दिन का विश्वास सेकेंड डे का विश्वास होने के लिए चलना भी पड़ा उस रास्ते में। मैं कन्विंस कैसे हूं यहां पर काम करना योग्य है कि नहीं, वो करके ही देखना पड़ेगा ना, सोचते हुए तो नहीं होगा, ऐसा ही है। तो ये दूसरा उत्साह, मार्ग पर विश्वास और फल पर विश्वास, उसका जो आउटकम है ये होगा उस पर विश्वास। तीसरा अध्ययन के लिए आवश्यक है सेवा या श्रम। हम काम नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, इससे अध्ययन हो जाएगा ये होता नहीं। एक स्टेज तक होगा, उसके बाद बढ़ेगा नहीं। ये जो अपन लिख रहे हैं यहाँ पर, ये कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सर्वग्राही है, हरी चीजों को रखा है ना। इसका ये मतलब नहीं कि बिना श्रम किए आप पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ समय तक वो चलेगा, फिर आपको उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि इसमें मैं कितना समय दूंगा, वो आगे हम आएंगे। ये सर्वग्राही एक वो है चित्र है। अध्ययन के लिए सहायक, एक है वातावरण। वातावरण भी उसी चार प्रकार का मिलेगा। आप जिस प्रकार का भौतिक वस्तुओं को सेवन करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, उसके लिए एक सहायक वातावरण है। जी आगे करेंगे। सेवा का मतलब है कि सेवा वो होता है जो व्यवहार में करते हैं, जैसे किसी का बाल काट दिया, इस टाइप का, आपने इनका बाल काटा तो फ्री है ना, और उनका बाल काटा तो पेमेंट है, ऐसा, ठीक। और श्रम प्रकृति के साथ, मनुष्य के साथ सेवा, मनुष्य के शरीर पर तो, माने काया पर जो हम करते हैं वो सेवा है। यहाँ पर आगे जाके श्रम में भी फिर हम उत्पादन और सेवा दो भाग बना देंगे, जैसे इसको बनाना उत्पादन, इसको मेंटेन करना सेवा, ये जो प्रोजेक्टर है मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये है अध्ययन के लिए सहायक, वातावरण। वातावरण चार प्रकार का है, चार ग्रेड। भौतिक वातावरण है ना, आपको अध्ययन करना और हर आदमी आपके अराउंड पिज्जा खा रहा है और चिप्स खा रहा है तो आपको भी मुश्किल है, आप भी दो चार मुंह में डाल लोगे, है ना। आपको गाजर उगाना है और मतलब जगह ही नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। दूसरा व्यवहारिक वातावरण है ना, मतलब जो समाज की है, बार के अंदर बैठ के मानव हर दर्शन पढ़ना बहुत मुश्किल है, संभव है बट कठिन है ना, या बार के बाहर भी बैठकर सोचना मुश्किल है, तो कुछ तो व्यवहारिक भी वातावरण चाहिए। बौद्धिक वातावरण, कोई पढ़ता ही नहीं, आप ही अलग पढ़ रहे हैं तो भी कठिन है, सो यू नीड अ कोहोर्ट, है ना, एक ग्रुप चाहिए। आध्यात्मिक वातावरण, हमारी आध्यात्मिक जिज्ञासा है तो आध्यात्मिक ग्रेड का फिर जीवन चाहिए, जो जैसे मैंने कहा वो शॉर्ट सप्लाई में है अभी, जागृत व्यक्ति ही आध्यात्मिक वातावरण है। वो शरीर स्वस्थता इसमें आ जाएगा, सेवा श्रम में आ जाएगा। वो शरीर स्वस्थता लिखा है ना इधर ऊपर, है ना, स्वस्थ शरीर, ये इसके लिए चाहे आसन प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, टेबल टेनिस खेलो। बाबा जी ये नहीं बोल रहे कि वो मैंने सर्वांगासन करने से ही होगा, उसमें कोई वो नहीं है। स्वस्थ तो रहते हैं बट उससे आयु और उसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। भारत के बहुत फेमस एक वो हैं, एक योगाचार्य, उनकी जो बेटी है वो एक बार योगा हॉल में पुणे में सबको योगा पढ़ाते हुए हार्ट अटैक आके खत्म हो गई 78 में। और एक खुशवंत सिंह हुए राइटर, सरदार जी थे, वो 96 तक जिए, रोज एक मुर्गी और दो पेग विस्की के बिना होता ही नहीं था। क्या बोलोगे इसको, खुशवंत सिंह जी को रोज एक मुर्गी चाहिए था और दो पैग विस्की चाहिए था, 96 तक जिया और गंदे जोकी लिखा, बाकी अच्छे बुक भी लिखा। उनका एक बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान, हाँ, और मैं है 102 कि 96 कुछ था, वो मेरे से पढ़ा ही नहीं गया, ट्रेन टू पार्टीशन का है, कहानी लिखा है, इतना घोर लिखा है उसमें, आधे बुक तक मैंने गिव अप कर दिया। फिर 20 साल पहले ट्राई किया था
और ये जो योगाचार्य हैं 79 में चली गई। नहीं समझ में आता अभी, माने आसन और सहायक है पर उससे आदमी अधिक जी ही लेगा, ये कोई वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो अध्ययन के लिए सहायक वातावरण है ना, चार प्रकार के वातावरण। दूसरा अभिव्यक्त होना, मतलब संप्रेषणा करना, यहाँ अभिव्यक्ति लिखा है, थोड़ा भारी शब्द है वो, जैसे मैं आपको कर रहा हूं अभी, ये सहायक है। इससे क्या समझ में आता है, शिविर लेना अनिवार्य भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। दर्शन में कहीं नहीं लिखा जा रहा है कि आपको प्रबोधक बनना है तभी ज्ञान होगा, इच्छा तो मुंह खोलो, इच्छा ही होता मत खोलना और नहीं खुलता है तो बंदी रखना ना, टेंशन मत लेना कि खुल नहीं रहा है। कुछ लोग बोल पाते हैं है? कुछ लोग नहीं बोल पाते, कुछ लोग बोल सकते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, सब है, कोई वो नहीं है। ठीक, तो एक तो ये है ये समाज व्यवस्था में भागीदारी सहायक है, अनिवार्य भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है, आप चूज कर सकते हैं। कॉमन बिल्डिंग का पुताई करना, आपको वृत्ति हो तो करो, नहीं है तो मत करो, इससे साक्षात्कार नहीं होगा होगा, कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो करो, जिस दिन आपको आवश्यकता लगती है करना। आपके अध्ययन के स्कीम में आपको क्लियर होना पड़ेगा कि ये यहाँ तक है, उसको हम देखेंगे आगे अभ्यास को जब फैलाएंगे। अभ्यास के अलग अलग चरण अंग देखेंगे, चार पांच पैर है अभ्यास के, वो चारों में संतुलन चाहिए। ठीक है ना, अध्ययन सफल होने का तात्पर्य क्या है, साक्षात्कार पूर्वक अवधारणा होना फर्स्ट। यदि आप बोलते मेरा अध्ययन हो गया, इसका मतलब आपका अवधारणा हो गया ना, अवधारणा हो गया कि नहीं कैसा पता चलेगा, अवधारणा की ज्ञान क्या है वो भी होना पड़ेगा, अवधारणा का लक्षण क्या है वो भी पता चलना पड़ेगा व्यवहार में, बराबर ना, तभी तो हम बोलेंगे। एक मिनट है, ये बंद नहीं हो रहा, एक मिनट। ठीक, कोई है, इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ, मेरे को कोई कॉल करता ही नहीं इसलिए मैं करता नहीं, कोई अननोन नंबर था, मेरे को दो तीन दिन में एक बार घंटी बजता है। तो उसका नाम है अध्ययन बोध, उसको हम देखेंगे। इस सत्र में हम केवल अवधारणा की वस्तु तक ही बात करेंगे, अवधारणा के लक्षणों पर बात करने के लिए अपने पास अभी उतना टाइम नहीं है या शायद आवश्यकता भी नहीं है। और अवधारणा हुआ इसका प्रमाण क्या है, सह अस्तित्व में बोध होना। बोध हुआ इसका प्रमाण क्या है, अनुभव होना। अनुभव हुआ क्या है, वो अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण, प्रयोग प्रमाण में आना, ऐसा लिंकिंग है। तो अवधारणा हुआ ये पता चलेगा, उसकी लाक्षणिकता भी होगी, बोध हुआ ये भी पता चलेगा, अनुभव हुआ ये भी पता चलेगा, उसी को पता चलेगा, है ना। दूसरे लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जैसे इनका क्या नाम है आपका, मैं भूल गया, अशरफ, जैसे मैं बोल दूं मेरे को बोध हो गया, आपको डिस्प्रूव करना कठिन जाएगा, अभी तो नहीं कर पाओगे 6-7 दिन में। आप मानो नहीं मानो एक अलग बात है, आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते। यदि मैं डिक्लेयर कर दूं मुझे बोध है, आप क्या है, अनुभव डिक्लेयर करना कठिन है, क्योंकि आप मेरे को नागराज जी के साथ जांचेंगे तो मैं उसको एक पहले वाले के इसमें छुप जाऊंगा बोध में, ठीक है ना। यह दिस यू कैन नॉट डिस्कवर। कुछ लोगों ने घोषित के अनुभव, उनमें जो एरर हो गया, जो मेरे को लगता है इस बात को, मतलब उनसे ओवरलुक हो गया कि अभी लोग मेरे को बाप जी जैसे जांचेंगे, है ना, मैं पूछूंगा दूसरे धरती में गए कि नहीं गए, है ना, तो वो भूल गए, तो उनको बैक करना पड़ा। अभी भी एक दो लोग डटे हैं, बाकी लोग बैक हो गए अनुभव से, बोध में काफी लोग बैठे हैं, बैठ सकते हैं, मतलब कुछ लोग अवधारणा में बैठे हैं या एक दो, जो भी, बट इसके लक्षण है उसको हम देखेंगे। कुल मिलाकर हमको अपना देखना है ना, बाकी जिसको जो मानना है माना है। फिर ये बाबा जी बताए हैं, अध्ययन तभी होता है जब स्वयं में यह स्वीकार होता है कि अध्ययन कराने वाला व्यक्ति प्रमाणित है। मैं जो आपको पुस्तक पढ़ा रहा हूं, आप उसको तब ठीक से सुन पाओगे जब आप मेरे को स्वीकारोगे। आपको यदि लगेगा कि ये लल्लू है और इस भाव से ही बैठे रहेंगे तो कुछ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, इससे अच्छा आप जाकर कुछ काम करो और कुछ पैसा कमाओ। ठीक है,
उसको हम जांचेंगे ये वाला ठीक है, बट इस भाव से नहीं बैठेंगे कि ये बेवकूफ है तो कुछ नहीं घुसेगा, क्योंकि वस्तु और मैं जो बोल रहा हूं उसके बीच में आप बैठे हो, ठीक। एक यही व्यक्ति प्रमाण का आधार है ना, ये स्रोत है संवाद एक, तो ये संवाद एक और तो मैंने पढ़ सकते हैं आप। फिर यदि प्रमाणित व्यक्ति नहीं है, जैसे अभी शॉर्ट सप्लाई है तो क्या करेंगे, ये भी पूछा। तो तदाकार होता है इस पर विश्वास होने से वांग्मय से अध्ययन किया जा सकता है, अछोटी 2011 में मैंने पूछा था, देरी नहीं, आप अंजनी भाई के घर में सामने जो घर है इसी में पूछा है, पैरापट पर बैठकर, है ना। तो वांग्मय पढ़ने से मुझे अध्ययन हो सकता है, मतलब तदाकार होता है, मुझे विश्वास करना पड़ेगा। यदि डाउट है कि पता नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है, इसमें बजे अच्छी बात क्या है, 0-1 नहीं है, है ना। पति पत्नी संबंध को आप सुन लिए उसके बाद फिर नहीं आया, वो कम से कम एक संबंध में तो सतर्क हुए। चोरी करना गलत है, जीवन विद्या क्या बोलता है, परधन गलत है, बहुत हो गया भाई, इतना भी यदि हर आदमी स्वीकार ले तो चोरी चकारी बंद हो जाए, एक लाइन एक शब्द राइट, एक कंसेप्ट, ठीक। फिर यथार्थ दर्शन पढ़ने से, स्मरण करने से, सोचने से भी लाभ होता है, यही नेक्स्ट लिखा है। भास भले ही हो, कम से कम गम्य स्थली की ओर हम एक कदम तो रखें, अभी तो आवारा पशु जैसे आदमी घूम रहा है दिशा विहीन। ये मास 13 अमरकंटक में बात हुई थी, तो आवारा पशु से लेकर हम माने सतर्क पशु, फिर सतर्क पशु से है ना अध्ययनशील पशु, फिर अध्ययन, फिर साक्षात्कार, ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अपग्रेडेशन है थोड़ा थोड़ा, जीव चेतना का मतलब पशु चेतना है ना, वो तो हम मान ही लिए हैं तभी तो बैठे हैं इधर, नहीं कोई मानव चेतना में हूं मानकर बैठा है क्या इधर, फिर तो अपन जगह एक्सचेंज कर लेंगे, नहीं है ना, गले से उतरता नहीं है जीव चेतना, है ना बाबा जी, जीव चेतना वो पशु चेतना बोलने से और वो लगता हार्ड है ना, गिर गाय चेतना है ना, फिर लोमड़ी चेतना, ऐसा बोलने से और लगेगा कि झापड़ी मार रहा है कोई, ये मेरे सामने लोमड़ी आ गया स्वीकार नहीं होता है, बट वही है जीव चेतना, ये मानकर ही हम बैठे हैं। तो मैं जीव चेतना में हूं ये स्वीकार के मैं शुरू करता हूं, अध्ययन यदि करना है तो, मतलब साक्षात्कार करना है तो, वो यदि नहीं माना है उसके अनुपात में जो ग्रहण हुआ उसके अनुपात में उसकी उपलब्धि होगी, बौद्धिक भी कुछ उपलब्धि होगी, कुछ व्यवहारिक भी उपलब्धि होगी, कुछ भौतिक भी उपलब्धि होगी, आध्यात्मिक उपलब्धि छूटा रहेगा, ठीक। नेक्स्ट, चर्चा का क्रम। अच्छा, मैं भी इस नोट्स को 3-4 साल बाद देख रहा हूँ, तो आपके साथ साथ ही चल रहा है मेरा भी, मैं इसको लास्ट पढ़ाया था इधर ही, हो गया उसको 4 साल शायद, कब था आप लोगों का, नहीं उसके बाद हापुड़ में हुआ, नवंबर 19 लास्ट है, अभी क्या है जनवरी 22 23 नहीं जनवरी 23 तो फर्स्ट में हम प्रक्रिया का अवलोकन करेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे सारे भूमियों का, है ना। सेकेंड में पांचों भूमियों पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पांच भूमियां हैं, श्रवण मनन साक्षात्कार, श्रवण मनन साक्षात्कार, साक्षात्कार का स्थिर होना अवधारणा, बोध अनुभव 5 है ना, 5th उपलब्धि भूमि नहीं है। इस क्रम में बाधाएं क्या है, डिफिकल्टीज क्या क्या है, उसका एक ब्रीफ दिया है, बहुत हेवी डिटेल में नहीं दिया है, उसको फिर कभी लिखेंगे। डी में दिया है गुणात्मक परिवर्तन की गति क्रम क्या है, ये बाधाएं है और इन पांच भूमियों से हम गुजरते हुए एक एक स्टेज में हम अपने में क्या परिवर्तन देख सकते हैं, कैसे पता चलेगा इधर है भी कि नहीं है, उसकी एक मोटी रूपरेखा दी है। एंड ई में अनुभव दर्शन का सारांश है, अच्छा वो उस शिविर में लिखा था उसमें है, ठीक है ना। अनुभव हो जाता है तो अनुभव दर्शन का सार, बट हमको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपनी चर्चा में, अपन ए और बी कर लेंगे, ए कर लेंगे, बी का कुछ भाग कर लेंगे, सी का कुछ भाग कर लेंगे, आवश्यकता पड़ने पर डी करेंगे हम। जनरली ये सी जो है ये जिज्ञासा, जो लोग कुछ वर्षों से अध्ययन रोक दिया,
जनरली जो घंटी बजाते हैं उसके बाद टिंग 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 लास्ट में एक बजता है, वो नहीं किया, नहीं किया ना, वो भी करते हैं, वो एक रिदम है, टुंग 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 टुंग, ठान ठान ठान, फिर वो तो हम क्या करेंगे अभी, पहले प्रक्रिया का अवलोकन कर लेते, ओवरव्यू, इसके अलग अलग है ना, वो क्या है पायदान। फिर जो प्रथम स्टेज है शास्त्र अध्ययन है श्रवण, इसकी डिटेल में हम जाएंगे, मनन को बहुत शॉर्ट में लेंगे, साक्षात्कार आवश्यकता अनुसार डिस्कस करेंगे आपका 6 महीने का सत्र के दृष्टि के अनुसार। बाधाओं पर बहुत कम बोलेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा सा डिप्रेसिंग भी हो सकता है अभी शुरुआत में ही, है ना, अपन 2-4 साल बाद जब मिलेंगे, जब आवश्यकता लगेगी कि बाधाओं पर बात करना, उसको रखेंगे। और इसमें हम गुणात्मक परिवर्तन क्रम को कैसे है एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, अभी मेरा ऐसा सोचना है, बट अभी आगे अपन देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार कर लेंगे इसको। प्रक्रिया की ओवरव्यू तो हम इसको कल करेंगे, अभी आज तो उसकी आवश्यकता और भूमिका की बात हो गई। तो लंच के बाद संवाद 2 है इधर, मैं चैप्टर नंबर बता दूंगा आपको, उसको वो किया था, सॉफ्ट कॉपी है इसी में खोल लो, इसी में देख लेता हूँ सॉफ्ट कॉपी फोन से, जस्ट अध्याय नंबर बता देना उसका, उसमें अध्ययन प्रक्रिया पर बात, वो एक वो कैटेगराइज्ड है संवाद 2, अनलाइक संवाद 1, अध्ययन विधि पर उसकी एक चैप्टर है, उसको आप लोग पढ़ सकते हो, चाहे यहाँ प्रोजेक्ट करके करना है तो पढ़ सकते हैं आप, पहले उसको पढ़ लीजिए। नहीं आप ही बता दो चैप्टर नंबर क्या है उसमें, अध्ययन विधि या अध्ययन प्रक्रिया ऐसा कुछ लिखा होगा, मुझे कई वर्ष हो गए देखे बुक को। अध्याय 3 है 223 to 344, अरे काफी है यार, 110 पेज है आपका, इसी में हो जाएगा, वो नोट टेक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 3.1 श्रवण मनन साक्षात्कार बोध अध्ययन के लिए प्राथमिकता बाधा एवं निराकरण। सो अध्याय 3 आपको पढ़ना है, ये पोर्शन इस ये अच्छा हो गया, बढ़िया, मैं जो बोल रहा हूँ आप इसके साथ कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये अध्याय 3 को आप देख लेना, ये यदि हो जाता है अध्याय 3 पढ़ के पूरा, तो ये जो नोट्स है एक सॉफ्ट कॉपी नोट्स भेजिए सबको, हाँ वो आपके पास है, आपके फुर्सत में आप प्रिंट आउट लेके आप अपने अध्ययन के लिए रख लेना वो जो इस नोट्स के साथ, पर मुझे लगता है उसी को पढ़ा जाए वो जो ऑफिशियली पब्लिश हो गया है। एक काम करते हैं, आज आप उसको पढ़िए, कल हम सत्र लेंगे, है ना, फिर कल दोपहर को जो पढ़ना है आप देख लीजिए कि आपको वो जो संकलन अभी दिया है वो ज्यादा सूटेबल लग रहा है कि ये अधिक सूटेबल लग रहा है, जो संवाद में आप ही डिसाइड करना। जो संकलन दिया है 98 पेजेस वो इसी क्रम में है जिस क्रम में नोट्स है, श्रवण में क्या है, मनन में क्या है, है ना, बाबा जी का कहा हुआ जगह जगह से कुछ छोटा मोटा मेरा लाइन है बट उसमें हाईलाइटेड है ब्लू कलर में, जो ब्लू में हाईलाइटेड हो मेरा वाक्य है, बाकी ब्लैक व्हाइट बैकग्राउंड बाबा जी वाला है, ठीक है ना। तो हम कल क्या करेंगे अभी ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए ये प्रक्रिया श्रवण में क्या होता है, है ना, ये पूरा श्रवण से लेकर मनन तक इसको हम बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, उसमें भी थियरी है बट वो क्लासिफाइड है वो, ठीक है। तो आज दोपहर से आप वो नोट्स को पढ़ लेना, तो इस चर्चा से वो संबंधित रहेगा और वो इसके अर्थ को उसके अनुसार आप फिर समावेश कर लेना। ये अध्ययन विधि को समझना वो डोसा का पीठ बनाने जैसा है, थोड़ा ग्राइंडिंग लगेगा उसमें, देखें ग्राइंडर जो किचन में डालते हैं वो एकदम सॉफ्ट बनने में टाइम लगता है, फिर फर्मेंट होने में और टाइम लगता है, ठीक है। तो ठीक है, उन्हीं नोट्स को आप प्रोजेक्ट करके उसको उसी को पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, कल मिलेंगे फिर 9:30 बजे ना, बढ़िया, ठीक है जी, नमस्ते।